भाई सब ने पहला तो राम राम सिद्धो। और आज जो यो भाईचारा इकट्ठा आया है भाई बबलू मिर्चपुर परवीन पुनिया पनिहार मिंटी प्रधान जी और अमित उर्फ सतपाल शहीद भगत सिंह के मोर्चा के प्रधान और जितने भी मेरे युवा साथी जितने भाई सबका नाम ले नहीं सकता लेकिन जितने युवा साथी मेरे साथ में यहाँ आरएस चिकारा जी के समर्थन में पहुँचे हैं सभी का पहले तो धन्यवाद। दूसरा जो आज आरएस चिकारा जी को एक बधाई देने पर जेल के अंदर डाला गया है उन्होंने वीर साहू और सपना चौधरी को उनको पुत्र रत्न प्राप्ति पर जो पोस्ट डाली थी सिर्फ एक इस पोस्ट पर बधाई देने की पोस्ट पर आज भाजपा सरकार जो तानाशाह दिखाते हुए उनको जेल के अंदर भेजा गया है ये बड़ी निंदनीय घटना है। इसके खिलाफ आज हम जो कोर्ट के अंदर जितने भी युवा साथी इकट्ठे हुए हैं बड़ा ही एक दुख हुआ कि एक जो समाज सेवी है जिसने 50-60 गरीब बच्चियों की 7,000 कंबल बांटे लॉकडाउन में 60 जो गरीब लड़कियां उनकी शादी की है और जो है काफ़ी जो सामाजिक कार्य किए हैं उसको देखते हुए जो सरकार ने जो तानाशाही दिखाई और उनको जेल के अंदर डाला है आने वाले टाइम में अपनी जो युवा है अपनी जो जो यंगस्टर हैं वो क्या प्रेरणा लेंगे इस चीज़ से कि मदद करना क्या बुराई है क्या किसी को देना बधाई देना क्या बुराई है। इस बात के ऊपर दिवाली से सिर्फ 2 दिन पहले ही आज आरएस चिकारा जी को जेल के अंदर डाला गया बल्कि कल ही है दिवाली 21 दिन पहले जो ये मुकदमा दर्ज हुआ था हांसी के अंदर जो कि पहला ऐसा मुकदमा है भारत के अंदर जो सिर्फ बधाई देने के कारण बधाई देने के उपलक्ष्य में उन्होंने भाजपा सरकार ने अपनी जो पावर दिखाते हुए जेल के अंदर भाई आरएस चिकारा को डाला है। इसकी एवज में आज से 1 महीना पहले 70 आदमियों पर मैम के अंदर जो मैम का ऐतिहासिक चबूतरा है उसके ऊपर गुंडागर्दी दिखाते हुए वहाँ पर सरकार ने कोविड-19 की जो उल्लंघना करने पर 70 आदमियों पर मुकदमा दर्ज किया था उनको तो दिवाली से पहले नहीं बुलाया गया ना उनको जेल के अंदर डाला गया। ये बड़ी निंदनीय घटना है। इसके खिलाफ हमारी जो आरएस चिकारा भाई के साथ जितने युवा साथी जगह जगह से कोई राजस्थान कोई हरियाणा कोई पंजाब कोई यूपी से आया हुआ है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं सभी आरएस चिकारा के समर्थन में हैं। ऐसे समाज सेवी के जिसने हमें प्रेरणा दी भाई बबलू मिर्चपुर भी आ रहे हैं एक जो समाज सेवी हैं इनसे भी मैं कुछ राय जानना चाहूँगा कि एक समाज सेवा जो करने पर जो जेल के अंदर डाला गया है उसके बारे में आप 2 शब्द कहें। पहले तो भाई जितने मेरे चैनल वाले भाई से हैं सारे के जितने भी दर्शक हैं सारे ने राम राम भाई और मेरा जितना भी भाईचारा है इसने राम राम भाई। जो प्रशासन ने जो आज सरकार का दबाव में है जो सरकारा पूरा हरियाणा के नहीं पूरा देश के युवाओं का जो प्रेरणा स्रोत है किसी गरीब की बेटियां ब्याह कराना है या किसी भी तरीके कोई भी मदद करनी है सबने बेरा है जितने भी पूरा हरियाणा के पूरा राष्ट्र पूरा भारत ने कि भाई हर जगह यू भाई सारा खड़ा रहो चकड़िया जरूरत पड़ जी इसने क्रांतिकार विचारा का है। जो 1-1.5 महीने पहला जो प्रोपगंडा रचा गया आरएस भाई ने एक बधाई दी आज तक का इतिहास में भारत में कदे बधाई का नाम पर कदे ला ले वो मुकदमा कौन लग गया होगा मेरे ख्याल सभी ने बेरा है पूरा देश ने बेरा इस बात का और उस भाई का झूठा मुकदमा लगाया कहना है बड़ौदा चुनाव के बाद बड़ौदा चुनाव तो पहले भी गिरफ्तारी हो सके थी बड़ौदा चुनाव के बाद 2 दिन बाद उठाया का जेल में डाल दिया गया और जिसमें जमानत भी कौन अगर जो मुकदमा बना था वो मुकदमा भी इतना छोटा बना था अगर उसकी खड़े खड़े भी जमानत होती कोर्ट में तो सरकार ने आज वह जमानत भी कोनी होने दी। सरकार ने अपनी वाहियत किस्म की जो या थ्योरी अपनाई है और जो सपना है सपना चौधरी जो डांसर हरियाणा की जो अपना अपना अभिनेत्री गवा है उस आगे आरएस भाई ने एक सिर्फ बेटा होने पर बधाई दी थी। इसका जो हस्बैंड है वीर साहू उसने 1-1.5 महीने पहला आपने सोशल मीडिया भी देखा होगा मेरे ख्याल तो उधर माटी तैर रही थी पूरा हरियाणा में कौन गाड़ी हम तो बाहर लकड़े था कौन कुत्ते पाड़ा था मैं फूक दूंगा मैं ला दूंगा और कोविड-19 एक तो उल्लंघन कराया उसने दूसरी बात ये सरेआम जो गुंडागर्दी कर रहा थे उसका भी उल्लंघन उसमें भी एक्ट लग गए एक दो तीसरी बात सारे में बड़ी बात जो उसने कर रहा की थी मैम 24 चबूतरा और 350 शहीदा की जो है माटी
शामिल है उस चबूतरा का नीचा जो आप जमीन को चबूतरा 350 शहीद हो रहे हैं और दफनाए गए थे या उना का जो भी अंतिम संस्कार कराया गया था उनकी चिताओं पर बनाया गया वो चबूतरा, उस वायत किस्म का आदमी ने उस चबूतरा पर जनता जोड़ेगा 20-30 बाड़े टट्टू जोड़ेगा जो रुपये बुलाए रह गए थे उसने वह जोड़ेगा ने, और उस चबूतरा की जो इतना ऐतिहासिक चबूतरा भी और हरियाणा का दूसरा नंबर का है चबूतरा जो खाप और खापा नाम भगवान मानना रियलिटी है हमारा, जो बड़े बड़े जो फैसले जो कोर्टा में नहीं हुए वो खापा निपटाए हैं, यह सच्चाई है। आज भी फैसले हों बड़े बड़े ओड़े उस आदमी ने ओड़ बदमाशी का अड्डा बना दिया वो, जिसमें राजस्थान तय और जो दूर दराज के जो राज्य हैं उनमें फोन आवे अब भाई के नाम ले आकर चबूतरा कोई बदमाशी का तर बना रखे आगे पूरा देश में बदनाम करने का इसने साजिश करी उस चबूतरा ने और पूरा देश में बदनाम कर दिया, जिसका ऊपर जमीन का 70 आदमी मुकदमा दर्ज होया था उसे टाइम पर 70 आदमियों का मुकदमा दर्ज करवाया था किसने खापन जो हरियाणा ही खाप से ज्ञापन भी दिया था आप देख लियो मैम जो भी है न्यायपालिका जो भी उसका ज्ञापन दिया था खापा ने उस टाइम पर 70 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, एक सिंगल आदमी की भी गिरफ्तारी को नहीं आज तक वो डेढ़ दो भी नहीं पहले ही बात से एक सिंगल आदमी की भी मेरी गल तो सारे भाई ने बेरा बताने की जरूरत को नहीं, और आज सकारा के ऊपर कार्रवाई होगी कार्रवाई क्यों होगी अगर जे इलेक्शन से पहला करार है इलेक्शन से पहला करार तो क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा था, सकारा नाम नहीं एक फेम है हरियाणा का नहीं पूरा देश का, आज उस भाई का झूठा मुकदमा लुआया कहना प्रशासन ने सरकार का दबाव में आया कहना है या अभिनेत्री जो भाजपा की एजेंट है जो सपना चौधरी भाजपा ने जबरदस्ती इस भाई को पर मुकदमा लाया कहना और भीतर डाल दिया ताकि इसको यहीं की दबा जा जाओ अग्नि नहीं बिक जेयू कड़िया न कड़िया, इब सरकार ने नू को नहीं बेरा इब तो हमने जो छेड़खानी करी है इसने भुगतना भी सरकारी ने पड़ेगा, आज इतना हमारा भाईचारा इतना बटड़ा हो रहा है आज हर सगारा का मरण कटन ने तैयार है टू जड़ भाई, अगर उसका एक पसीना ही बूंद पड़ेगी तो खून की बूंद गिरने तैयार है। तो आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका प्रचज यो है कि जितना भी मारा गला जितना भी रस्सीकारा गिला है भाईचारा जुड़िया है, मैं अकेला हरियाणा की बात नहीं कर रहा पूरा देश की बात कर रहा हूँ, जितने भी हैं आपका माध्यम था आपके चलना माध्यम जितने भाई सुन लग रहे हैं हम बेकर रस्सीकारा के भाई हैं तारी तरिया, क्योंकि तामना जब उसकी जरूरत पड़ी है सरकार की जब इस समाज ने जरूरत पड़ी तार फिर भाई ने जरूरत पड़ी वो हर एक भाई का सुख दुख में खड़ा पाया अधी रात ने भी सच्चाई, अगर जब 2000 किलोमीटर है 2000 किलोमीटर भी जा रहा एमपी की बात हो राजस्थान की बात हो यूपी की जब कड़ियाँ जब पाकिस्तान बॉर्डर की बात हो हर जगह जाकर दो भाई अधी रात ने बैठ जा, आज उसको प्रवीपता हरी है सरकार का जो भी जो सरकार ने कराया जो ये एजेंडा तैयार कराया ठाकुर इसने जेल में डाल दो टूट जाएगा खत्म हो जाएगा, जिस तरह एक पहला एक समाज सेवी और खत्म कराया था उसकी तो घनी लंबी कहानी में कंधा कुंदा में किसी का नाम लेना चाहता, तो आज खत्म करने की मैं जो साजिश सरकार ने कर रखी है और सपना चौधरी आई रही बात सपना चौधरी भाजपा की बहुत बड्डी लाले के नाम लिया करें लगा लो मंत्री दे भी ज़्यादा पावर उसके पास और टिकट की भी दावेदार है आने वाला इलेक्शन भी टिकट मिलेगी उसने वो छोटी मोटी को नहीं भाई किसी को एक कार्यकर्ता होने पर इतनी के चल लिया करें, तो मेरे सारे भाई हैं इन खतरे एक ही मैसेज देने खतर जितने नवीन नारू भाई और जितना हमारा भाईचारा बटड़ा हो रहा है जितना दूर दराज से जितना ही भाईचारा आ रहा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा असली जो मोटी और जो मेन मुद्दा है यो है जितना ही हमारा भाईचारा सुन लग रहा है धर्म माध्यम तय इन दारा तो एक यो है कल ना छोड़ेगा ना परसों सोमवार वाले दिन जितने भी आपका नज़दीक लाग गए हैं भाई DC लगता हो या SDM लगता हो या उसका छोटा अधिकारी लगता हो एक तो सरकार के पुतले फूक को विरोध करो रोड जाम करना पड़े तो रोड जाम करो जो जो तरफ किराया जावे है एक ऐसी हानि ना करियो भाई सरकार का लल कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ना नहीं पूछाना इसे गलत काम ना करियो गलत काम ना छोड़े कहने अच्छे काम है महाराज महाराज अगले गलत हो रहा है हमारा भाई अगले गलत हो रहा है तो भाई इसी सबका अधिकार है मैं अपना जो रोड़ा भी बैठ सका ये सारी चीज़ कर सका हाँ तो मेरे इतने भाई सुन लग रही थे के रिक्वेस्ट है इन चलना का माध्यम तक भाई DC ने ज्ञापन दो सरकार के पुतले फूको एक बढ़िया तरीका दें या कि ना कि गलत ना करियो किसी की लाली भावना ठेस पहुँचाया किसी जातिवाद या कोई भी लाले ऐसा कुछ भी गलत काम ना करियो सरकारी प्रॉपर्टी नुकसान पहुँचा दिया और इस सरकार ने जब भाजपा भी नेत्री ने दिखाया दो और सकारा के है और उसका भाईचारा में कितनी ताकत है तो परसों इसका जो भी है अरे मम भी अपनी बात रख दिया आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है भाई या इसलिए करी गई है जितना हमारा भाईचारा हो रहा है सारा ने
परसों यानी सुबह 9 बजे जितना हमारा दूर दराज का भाईचारा जितने भाई रह रहे हैं सारे अपने अपने शहरा में अपनी अपनी तहसीला में पुतले फूकें सरकार की ओर ज्ञापन देंगे सरकार के विरोध में कि बिना बात झूठे मुकदमे लगवाए कने जो या अंग्रेजाएं जो पॉलिसी लेके आए हैं जो जी गया जो हिटलर वाली पॉलिसी लागू कर रखी है अगर जो कोई भी समाज सेवी ऊपर दा दिखा है ले और उसे कहना कैद घाल दें किसी ने पकड़ो और इसने बंद करवाड़े तारे खिलाफ कदे योगी में कर जरिया कदे तम कमजोर करने की कोशिश करें तुम्हारा मैन परचम यू है। तो भाई साहब अब अर्चिकारा को गिरफ्तार किया किस बेस पे गिरफ्तार किया कौन सी धारा लगाई कुछ कानून लग गई कौन सी धारा लगाई धारा तो ये लग रही है गणित धारा तो मैं बताऊंगा तो मेरी ख्याल तक गणित बीरा बिना पटर गणा हलाले जो भी है हूं, देखी को नहीं चीजें अभी धारा ये है धारा सिर्फ एक के है मैं अपने मैन से बता दूं एक तो या कि भाई बधाई दी इसने हमारा ले जो भी है हमारी जो पर्सनल जिंदगी है इसने ले उसका बारे में थोड़ा उसको डिस्क्लोज करा है और डिस्क्लोज करा और ले जो भी हो करा है हरेसमेंट का ये छोटी मोटी धारा लग गई है जिनमें इनमें खड़े खड़े जमैन तो होती इनमें जो धारा लग रही है इनमें खड़े खड़े जमैन तो होती 326 का मुकदमा 326 का मुकदमा वो मुकदमा हुआ है अगर जो टांग बांध तोड़ दे तो आदमी की 10 जगह थे भी तो भी उसके खड़े खड़े जमैन तो ये है और सगरा ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया था ऐसी कौन सी गोलियाँ चला दी थी एक सिर्फ हरासमेंट का कह लो आप इसने या भाई किसी की ज़िंदगी पब्लिक कर दी या कुछ भी कह लो डिस वॉक कर दी तो उस मुकदमा में इसने खड़े खड़े जमानत नहीं मिली यो भी देश का सारे में पहला लले इतिहास रचा गया यो सलमान खान ने हिरण मार रह गई थी 3 फुटपाथ पर जुते थे रात ने कोर्ट खुलकर उसकी जमानत हो गई थी क्योंकि पतंग उड़ा रहा मोदी गल है अगर जो सकारा मोदी गला खट्टर गला पतंग उड़ा नहीं तो प्रशासन की इतनी औकात कौन थी जाएगा उसने करते भी कहते हाँ भाई चल सकार तो बड़ौदा उपचुनाव की हार का बदला ले रहे बड़ौदा चुनाव की हार का देखो तो सकारा तो करवाई को नहीं कि और जो जनता जो मत तो था उसने उसका उस पर आई इनकी हार जो जीत का जो फैसला जनता मत ने कराया है सकारा तो इसमें रोल कौन सकारा तो बेचारा बस आंकड़े बताए थे भाई इतना एस्टिमेट सर इतना तैयार रहेंगे इतना वो करेंगे इन बस लागे सकारा इन्हें रुआ दिए थे सकारा का इसमें कोई वो को नहीं सका सरकार हाँ अपनी पर्सनल खुंडस काट है या सच्चाई जमानत मिलने क्या चांसेस सर कब तक जमानत मिलेगी अभी जिस तरीके से जो सरकार ने जो जिसपे हाथों जमाने जिसपे कोई केस ही नहीं बनता बधाई देने पे जब उन्होंने इस पर केस करवा के अरसिकारा जी को जेल के अंदर डाल दिया तो हम कोई आशंका नहीं कर सकते कि अभी 2 दिन में मिल जाएगी 3 दिन में भी जमानत मिल जाएगी तो तानाशाही सरकार है जो उन्होंने जो केंद्र सरकार से जो फ़ोन करा के जो प्रशासन के ऊपर प्रभाव डाल के तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके आवेज में जब तक इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा हम आपको जवाब नहीं दे सकते इस चीज़ का आपको कुछ पता लगा किसने फ़ोन किया किस पे फ़ोन करवाया देखिए ये तो संपर्क बताएंगे जिनके संपर्क हैं भाजपा सरकार में वो ही बता पाएंगे या जिनके लिंक हैं या जिनको भाजपा का कैंडिडेट कहा जाता है या भाजपा अभिनेत्री कहा जाता है वो ही बता सकते हैं हमें तो पता नहीं इस चीज़ इसका सीधा निशाना सपना चौधरी की तरफ है सपना चौधरी ही कह सकते हैं आप अभी फिलहाल तो क्योंकि केस तो उन्होंने करवाया मतलब बीजेपी सरकार ने सपना चौधरी कंधे में बंदूक रख के चलाई है बिल्कुल चलाई है अच्छा आपके भी कुछ गाने आए हैं नवीन देखिए मेरे जो गाने हाँ जी बिल्कुल जो मेरे गाने आए हैं वो अपनी जगह हैं वो मेरा काम है पर जो एक समाज सेवी के साथ जो अच्छे इंसान के साथ और जो मेरे रिलेटिव हैं रशिकारा जी उनके साथ जो गलत काम किया है मैं उनके सपोर्ट में सपना चौधरी के साथ आपके गाने आए क्या हाँ जी बिल्कुल ना अभी तो देखो वो सपना चौधरी बताएंगे मैं नहीं बता सकता इसकी चीज़ आपका आपकी तरफ से हाँ है या ना देखिए मेरा काम है मैं करूँगा मुझे किसी के साथ भी काम करना पड़ सकता है मतलब हाँ जी अगला स्टैंड क्या रहेगा अगला स्टैंड यो है सरकार का जम का विरोध कराएं चाहे हमने रोड पाना पड़ जाए जो कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए सारी चीज कराएं जो जो होंगी जो हमारे हिम्मत जो अधिकार है हमारा जो हमारा इस काम अधिकार बिल्कुल दिवाली से एक दिन पहले देख लीजिए आज आपके सामने शिकारा भाई ने पहले ही बता दिया था दिवाली जेल में होने की मतलब पता था उनको पता था कहीं ना कहीं उनका जो भी था संपर्क में उड़ती बात आई एक बेहतरीन दिवाली जेल में बनेगी इस बात का मन नहीं बेरा था जो लल भाजपा जो अकड़े फ्राण लाग रहा है बैठा बैठा तो मन ने भी इस बात का बेरा था कि दिवाली जेड़े में बनेगी हरमंदिर साहब पहले ही कह दिया था त्री दिवाली जेड़े में बनेगी या तानाशाही सरकार है हिटलर की सोच पर चल रही है या अगर जो कोई भी उभरता दिखा उसके की मुंडी पकड़े और उसे गोदियाँ ठहके भीतर तो ये सकारा इन दिखा था युवाओं का प्रेरणा स्रोत है युवाओं के ऊपर चौखी पकड़ है हरियाणा हरियाणा पूरा देश के अंदर और इसका जो ये चीज़ दिख भी जाऊंगी हर एक युवा हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक तहसील में जब रोड़ा में दिखेगा तो सरकार ने इसके औकात का ही बेरा पड़ जाएगा बाकी ना अगला इलेक्शन बताओगे जो भी ना करे ना
इसके भुगतान भी आगे देने आऊंगे। अर्चिकारा गलती दी गया एग्जिट पोल दिखाना बताना, उसकी कोई गलती नहीं थी। आप भी दिखाओ एग्जिट पोल, तो बताओ नहीं दिखा दो, जितने पत्रकार हैं सारे दिखाओ, उसने भी एग्जिट पोल दिखाए थे। सरकार है कि नू था अक्षकारा तो कांग्रेस ने सपोर्ट करने लग रहा, तारा विरोध करने लग रहे, एग्जिट पोल जाओ थे कांग्रेस कहानी कांग्रेस का उसमें जाऊं थे, और इसने बताया दी हूँ सारी जो सच्चाई दूँ लेके आया था, जो 10-15 हज़ार तो आ रहेगी। देखिए 10-15 हज़ार आंकड़े बताना कोई जुर्म नहीं है, आप भी दिखाओ हर किसी का भाई, किसी के बारे में आंकड़े दिखाना और उसको कोई रोक भी नहीं सकता। अगर आंकड़े दिखाने में इतनी बड़ी जेल है भैया, इनको जेल के अंदर डाल दिया तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इतिहास रच दिया बीजेपी सरकार ने, आज एक इतिहास रच दिया। अगर भाई बधाई भी दे दी नहीं किसी ने, अगर जब मुकदमा कर दिया तो जेल में कट हो गए। 130 करोड़ लोग हैं जो लाले, जो भी इस देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी है, तो मेरे ख्याल तो मेरा तो जी करता नहीं किसी को बधाई देने ने, धड़कन हो सके मुकदमा टलाए दे, फोन खोलवाए दे। प्रधानमंत्री जी भी जो है हर बार बधाई दिया करें। बिल्कुल बिल्कुल, कौन के ऊपर भी केस कर सका है, तो आप पे भी कर सको। बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री जी है उनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। अच्छा आम आदमी था इसलिए, आम आदमी है इसलिए उठा के केस कर दिया गया, प्रधानमंत्री जी पे कौन कर देगा। जिनके कहने पर एक समाज सेवी, एक युवा का जो प्रेरणा सूत्र है, उसको बिना बात के एक बधाई देने पे 2 दिन के लिए जेल के अंदर जो उन्होंने डाला है, 2 दिन लगे 4 दिन, तो कुछ भी हो सकता है। ताना सरकार है और जो संपर्क जो यूज किए गए हैं, जो एक षड्यंत्र जो अरशिकारा जी के खिलाफ रचा गया है, वो आप लोगों के सामने है। बधाई देना अगर बुरी बात है तो हम भी बधाई देते हैं, अभी भाई सभी को हमारी तरफ से भी बधाई है, तो हम भी जेल में जाने के लिए तैयार हैं। जैसे अरशिकारा जी के साथ हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे हमें मरना पड़े, चाहे हमें अपना खून बहाना पड़े, पूरा युवा उनके साथ खड़ा है, और हरियाणा नहीं राजस्थानी पूरा देश, भारत देश अरशिकारा जी के साथ। बिल्कुल, किसानों के लिए उन्होंने जो है, अभी आपने देखा था वहाँ पे कुरुक्षेत्र भी गए थे, किसानों के लिए आके खड़े रहे, सबसे पहले ऐसे समाज सेवी जो किसानों के लिए जो वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था वहाँ पर पहुँचे थे। और इसका जो बदला है वो अब आप देख सकते हो किस तरीके से अपनी पावर का प्रयोग करते हुए उनको जेल के अंदर डाला। अरे सकारा वो शख्स है, अगर बात जवान की आवा, जवान ना गए तरबियाती रात ने खड़िया पाया, अगर जकड़िया पुलवामा ही बात आवा है, जवान की किसान की बात आओ ओड़े भी लटकाए हैं जी लायक, अगर जो बात कमेरा वर्ग की आवा है, मजदूर की आवा है, या किसी जाति की आवा, किसी धर्म की आवा है, बिना किसी में भेदभाव कर हर बात, या गरीब की हो चाहे किसी के साथ गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हर जगह अगर जिस समाज ने कड़िया सकारा की जरूरत पड़ी है तो हर जगह खड़ा पाया है। आज मेरी तो आपका माध्यम से यह अपील है, अगर सकारा ने तारा साथ दिया, इस समाज का साथ दिया है, तो इस भाई का साथ दे दियो, अगर जो बुरा कर रहेगा किसी का तो टाला कर दियो। बिल्कुल, किसी पार्टी का भी सहारा ले इसको आप, ना ना मांगे किसी पार्टी को, किसी पार्टी का कोई सहारा नहीं है, सहारा लेने की हम एक सच्चे समाज सेवी के साथ हैं, एक अच्छे इंसान के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।